दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग। पंजाब की राजनीति हर दिन अपना कलेवर बदलती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है और रोज कुछ नया हंगामा खड़ा हो रहा है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को नया धमाका किया और ऐलान कर दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने की बात कही। ऐसे में अब हर किसी की नजरें इसी बात पर हैं कि पंजाब की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है। पहले गृह मंत्री अमित शाह और फिर NSA अजीत डोभाल से मिलने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से विदाई के संकेत दे दिए हैं। एक इंटरव्यू में अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह के निशाने पर यहां भी नवजोत सिंह सिद्धू ही रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धू की वजह से ही कांग्रेस में इस तरह की राजनीति का अस्थिरता आई है। अमरिंदर ने यहां तक कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ कपिल शर्मा के शो तक ही ठीक हैं, लेकिन पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य में इस तरह की जिम्मेदारी उन्हें देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा, इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको बता दें कि बागी तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के रुख के बाद पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं के तेवर बदले हैं। मनीष तिवारी ने पहले ही सिद्धू के एक्शन पर हमला बोला था और केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। अब गुरुवार को सुनील जाखड़ ने मोर्चा संभाला और इस तरह मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर खड़े हो रहे सवालों को लेकर आपत्ति जताई। सुनील जाखड़ ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बस बहुत हुआ। अब देखना ये होगा कि पंजाब पॉलिटिक्स आगे किस मोड़ पर जाती है। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया।